Okay, Surya, like, if you can tell us, how has your journey been so far in the industry? Frankly, it's a roller coaster ride for me. It's been 5 years now. When I Bombay shift, I basically belong to Himachal Pradesh. It's a very small state. And in Himachal, I belong to Hamirpur. It's a very small district again. So, from here, on my side, I was like, yeah, there's no fun. So, Sudhir sir came and then to give me a feel कि मैंने किस तरह का reaction उस time पे लिया था तो उन्होंने वो चीज़ किया तो as इसका आपको जो result है वो थोड़े time के बाद पता चलता है जो कि result अभी आ गया that's good great and how did you prepare for this role I mean it's very tough role I believe yeah it was and तो अपने नजरिया में रखना ही पड़ता है तो मैंने उनसे पूछा तो वो सब हुआ उसके बाद जैसे उन्होंने मुझे ये बताया कि हाँ इसका लुक किस तरह से होना चाहिए देन मैंने उनको अपनी तरफ से थोड़ी सजेशंस दी कि सर इस तरह से काम कर सकते हैं होती और अगर आप सेंसिटिव हो तो काफ़ी सारे जो रिएक्शन है वो डिफरेंट वे में बाहर आते तो बैक स्टोरी हुई फिर देन उसके बाद मैंने अपनी बॉडी लैंग्वेज तो वो कॉन्टीन्यूटी बन गई उस सीन की तो मुझे वहाँ पर जैकेट नहीं पहनना तो मैं सीन कर रहा हूँ ये सब चीज़ें कर रहा हूँ और बहुत टाइम हो गया था कभी कोई प्रॉब्लम हो रही है कभी कैमरा एंगल नहीं मिल रहा है कभी कोई पासिंग आ जा रही तो ऐसे करते करते 10-12 टेक हो गया और वो सीन एक फुल ऑफ अग्रेशन था तो बीच में मैं भी फ्रस्ट्रेट हो गया कि यार इस तरह से कैसे चलेगा किसी एक को तो खड़ा रखना पड़ेगा कि वो पासिंग ना हो तो सब किए कि ठीक है 5 मिनट दे दो एवरीथिंग विल बी ऑलराइट सब ने अपनी अपनी पोजिशन ले ली ओके ठीक है अब डन है तो टेक चालू हुआ और मैं हाफ वे अपनी स्क्रिप्ट के पहुंचा था वहाँ से पीछे से आवाज़ आती है एक्सक्यूज़ मी मुझे यहाँ से उधर जाना है आज लाइक शिट ये क्या हो रहा था मैंने उनको बहुत कामली बोला कि हाँ ठीक है आप चलिए अगेन टेक चालू हुआ और फिर से वही बात हुई दो लोग और आ गए अब उस टाइम मैं थोड़ा बहुत बात कर सकता हूँ इसके बारे में बट बाकी कई सारी चीज़ें कॉन्फिडेंशियल है अभी मैं बता नहीं पाऊँगा तो जो मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है वो अगेन अप्लॉज एंटरटेनमेंट के साथ ही मैं कर रहा हूँ It's a web show. I'm playing the protagonist and antagonist both. It's a grey character, and you will see me doing a lot of things, like really a lot of things. जैसे प्रिंस को थोड़ी-थोड़ी चीजें करते हो देखा ना, but लोगों का कई सालों का फोन आएगी, बहुत सारी चीजें कर दी, तो इसमें और सारी कई सारी चीजें हैं. तो I'm excited कि वो कैसा होगा. And any one of the dialogues from Hostages? Hostages एक तो क्या है कि web अभी ना सेंसर होके आ नहीं रहा है और प्रिंस के डायलॉग आपको पता है सारे ऐसे हैं तो मैं जाते जाते आपको एक एंड का डायलॉग बोल सकता हूँ जिसमें मैं सबको बांध रखे है और वो सिलेंडर लेके आता हूँ खोल देता हूँ तो मैं एंड में बोलता हूँ कि जय माता जी रे अब जाना तो सबको ही पड़ेगा तो ये मेरा डायलॉग है जो कि मैं हॉस्टेज से आपको बता सकता हूँ सेम है थैंक यू सो मच